वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंटेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोरवेल कराने में कितना खर्च होता है, और इस वीडियो को हम मेनली तीन पार्ट में डिवाइड करके बात करेंगे। फर्स्ट की अगर बोर कराना चाह रहे हैं तो उसका कितना खर्च बैठेगा, और अगर उसमें हैंडपम्प लगाना चाह रहे हो तो कितना खर्चा बैठेगा, और उसमें अगर 1 HP सबमर्सिबल पम्प लगाना चाह रहे हो तो कितना खर्चा बैठेगा। ये जो मैंने डाटा बनाया हुआ है ये 200 फीट के लिए है। हो सकता है कि इसकी जो वैल्यू है अप डाउन हो सकती है, क्योंकि हर जगह बोरिंग चार्ज जो होता है डिफरेंट होता है। हो सकता है कि आप थोड़ा 200 फीट से अप करा रहे हो बोरिंग, या फिर 200 फीट से लोअर। तो आइए देखते हैं वीडियो को। इस तरह जो मैंने डाटा तैयार किया हुआ है वो 200 फीट बोरवेल के लिए किया हुआ है। इसका जो ओवरऑल खर्च है वो वैरी कर सकता है, क्योंकि कभी कभी हम डिफरेंट टाइप की पाइप लेते हैं, उसकी साइज अलग होती है, क्वालिटी अलग होती है, कंपनी अलग होती है, और कभी कभी जगह के हिसाब से भी उसका प्राइस वैरी करता है। ये जो मैं लिस्ट बनाया हूँ ये मैं वाराणसी के हिसाब से बनाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4-4.5 इंची बोर कटिंग करने का चार्ज 60 रुपये पर फिट लगते हैं। तो ये 200 फीट बोर कट करने का 12,000 रुपये हो जाएंगे बोर कटिंग चार्ज। और जो मैं केसिंग पाइप यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 4.5 इंच PT में कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि PVC है, और यहाँ पे PT पाइप 4.5 इंच 110 रुपये पर फिट मिलती है। तो हमारा 200 फीट पाइप यूज करेंगे तो 22,000 की हमारी पाइप हो जाएगी। बाकी जो सोल्यूशन एंड कैप पेंच जाली कटिंग चार्ज ये सब कुछ मिला के खर्च हमारे 600 रुपये हो जाएंगे। इसमें जो गिट्टी यूज करते हैं खास तरह की गिट्टी यूज करते हैं जो कि राउंड शेप में होती है, और यहाँ पे हम 40 फीट गिट्टी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो जाली पाइप नीचे यूज कर रहे हैं वो 40 फीट डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमें उस जाली को पूरा कवर करने के लिए कम से कम तो 40 फीट चाहिए हमें गिट्टी। तो यहाँ पे जो पर फीट के हिसाब से गिट्टी मिलती है लाल कुआं गिट्टी वो 110 रुपये पर फिट मिलती है, तो हमारी 4400 की तो गिट्टी हो जाएगी। तो ये जो बोरवेल का जो है टोटल खर्च वो लगभग हमारा आ जाएगा 39,000 रुपये। अब बात करेंगे कि हमें जो हैंडपम्प लगाएंगे उसमें टोटल कितना खर्च आएगा। तो देखिए इसका भी जो प्राइस है वो प्राइस है जो वेरी करेगा, क्योंकि जो हमारा हैंडपम्प आता है कभी कभी हल्का आता है, या फिर जो हम पाइप उसमें 100 इंच की जो पाइप लगाते हैं वो कभी कभी 6 kg की आती है, 8 kg की आती है, और जो सिलेंडर विलेंडर होते हैं कभी वो कास्ट आयरन के होते हैं तो कभी वो स्टील के होते हैं। तो इस तरह से इसका प्राइस वेरी कर सकता है। पर ये जो मैं एक लमसम बताया हूँ पंप का सेट का पूरा प्राइस वो 11,000 आ रहा है, जिसमें कि हम इंडिया मार्का का हैंडपम्प यूज किए हैं और टाटा पाइप यूज किए हैं 1.25 इंच के लिए, ठीक है, जिसमें कि हम बोर में 70 फीट पाइप लोअर किए नीचे, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है थोड़ा ऊपर मिल जाता है। तो दोस्तों एक पूरा पंप का जो सेट है वो 11,000 के आसपास पड़ जाएगा हमारा। अब हम बात करेंगे कि एक मोटर लगवाने में हमारा टोटल कितना खर्च आएगा। अगर हम घर के लिए पर्सनल यूज के लिए लगा रहे हैं तो 1 HP मोटर काफ़ी होता है, और जिसमें हम एक मीडियम क्वालिटी कह सकते हैं या फिर लोकल पंप यूज करेंगे तो पड़ जाएगा कम से कम 1 HP का पंप 4500 रुपये का। स्टार्टर जो है वो मीडियम क्वालिटी का यूज कर रहे हैं तो ये 1200 से 1200 के आसपास पड़ जाएंगे, और जो ओरिजिनल मोटर होते हैं वो 2500 से 3000 के बीच में पड़ते हैं। और इसमें जो सेफ्टी वायर होता है जिसको हम टोचन भी बोलते हैं वो 500 के आसपास पड़ जाएंगे। जो रोल पाइप होती है 24 मीटर वो 1000 रुपये के आसपास पड़ जाएंगी, और जो केबल होती है वो 1.5 mm की 30 मीटर केबल कम से कम चाहिए अगर हम 24 मीटर रोल पाइप यूज कर रहे हैं, तो ये लगभग 1050 या 1100 के आसपास पड़ जाएंगे। अदर फिटिंग होती है जिसमें जैसे नोजल होते हैं या फिर क्लैंप होते हैं, और तो ये सब हमारा जो फिटिंग है छोटे छोटे उनका खर्चा लगभग 400 के आसपास पड़ जाएगा। तो ओवरऑल एक मोटर का जो हमारा खर्चा होगा वो बैठेगा 8,650, ये समझ जाइए कि 9,000 तक बैठ सकता है। अगर इसमें ओरिजिनल पंप यूज करेंगे तो इसका खर्चा और ऊपर जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल पंप हमें
12 से 13 हज़ार का तो बस पंप ही पड़ेगा, बाकी ये जो अदर फिटिंग्स हैं जैसे स्टार्टर टोशियन रोल पाइप इनको छोड़ के, तो एक हम यहाँ पे घर बस पर्सनल यूज के लिए यूज करना है, तो हमें एक लोकल पंप 1 HP इनफ है। अब हम देखेंगे कि हमारा टोटल खर्च कितना बैठेगा। तो जिसमें हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बोरवेल का अगर 200 फीट के लिए 4.5 इंच पाइप 22 kg में यूज कर रहे हैं पीटी, तो हमारा उसमें जो टोटल खर्च बैठ जाएगा 39,000 रुपये। और जो हैंडपम्प का खर्च बैठ रहा है नंबर एक क्वालिटी का पंप लगाने पर वो 11,000 के आसपास पड़ जाएगा, और जो मोटर का खर्च आ रहा है वो 8.5 से 9 हज़ार के आसपास पड़ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो खर्च बैठ रहा है एक 200 फीट तक बोर कराने का और उसमें हैंडपम्प के साथ मोटर फिटिंग करने का वो 58,650 या कहें तो 60,000 के आसपास तक पड़ सकता है। दोस्तों यह जो मैंने डाटा तैयार किया है ये वेरी कर सकता है, तो कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही पैसा होगा। हो सकता है कि आप कम बोर कट करवा रहे हैं तो जो कॉस्ट है वो इससे कम लगे, या फिर अगर आप ज़्यादा बोर करवा रहे हैं तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो उसमें जो हमारा खर्च भी है वो भी बढ़ेगा। तो ये जो डाटा है वो वेरी कर सकता है, जस्ट एक डेमो के लिए मैंने आपको बताया, तो ये इतना खर्च बैठेगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं बोरवेल से रिलेटेड वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिले हमेशा सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।